सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजू स्मॉल फाइनेंस बैंक में हुए न्यू चेंजेस के बारे में, साथ ही एजू स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्रेडिट कार्ड में हुए न्यू चेंजेस के बारे में भी बात करेंगे। तो आपने अपना अकाउंट खुलवा रखा है एयू बैंक में या आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, तो दोनों यूजर्स के लिए ये जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं अपनी बात करूं तो मेरा खाता भी है और मैं क्रेडिट कार्ड भी यूज करता हूं। क्रेडिट कार्ड आप ये मेरे हाथों में देख सकते हो, मैं एयू बैंक का लिट क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं और मेरा जो बैंक खाता है उसमें मुझे ये प्लेटिनम रुपए डेबिट कार्ड भी रिसीव हुआ है, जो कि बहुत ही काम का डेबिट कार्ड है, क्योंकि इसके थ्रू अगर हम अमेज़न पर स्पेंड करते हैं तो हर महीने हमें 20% का डिस्काउंट मिल जाता है, यानी 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, जिससे मुझे पूरे साल में 1200 रुपए की बचत हो जाती है। इसके अलावा और भी कुछ ट्रांजेक्शंस वगैरह हैं जहां पर डिस्काउंट ऑफर मिल जाते हैं और रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते रहते हैं। तो ये खाता भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें भी एक डिवोल्यूशन हुआ है जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, और जो क्रेडिट कार्ड में डिवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में भी जानने को मिल जाएगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में ज्वाइन कीजिए। जितने भी नए ऑफर या अपडेट आते हैं उसकी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम पर ही पोस्ट कर देते हैं, तो ज्वाइन करने के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बैक टू द टॉपिक कि एयू बैंक के खाते में और क्रेडिट कार्ड में क्या कुछ नए चेंजेस हो गए हैं। तो शुरुआत करते हैं एयू बैंक के खाते से। तो जैसे कि आपने देखा कि मैं एयू बैंक का रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड यूज कर रहा हूं, तो इस डेबिट कार्ड में एक फीचर मिलता था जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल जाता था, लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद से इसे हटा दिया गया है। अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा इस डेबिट कार्ड के ऊपर। यदि आप इसका बेनिफिट लेते हैं तो उसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो अभी एयू बैंक के अकाउंट होल्डर है तो आपको इसके रिलेटेड मेल रिसीव हो गया होगा, जैसे कि मुझे रिसीव हो चुका है, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करें नेक्स्ट अपडेट की, जो कि क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड है। तो आप एयू बैंक का कोई सा भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसका इस्तेमाल अगर आप फ्यूल पे करेंगे तो आपको 1% का चार्जेस देना पड़ेगा, साथ ही आप यदि उसका यूटिलिटी पेमेंट के लिए यूज करते हैं तो उस पर भी आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन पर चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा, एक हायर अमाउंट के ऊपर ही चार्जेस पे करना पड़ेगा, जो कि डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितनी आपकी क्रेडिट लिमिट होगी उसका अगर आप 50% यूज करते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, और मैक्सिमम की बात करें तो 50,000 के ट्रांजेक्शन पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है फ्यूल ट्रांजेक्शन के लिए। लेकिन 50,000 से ज्यादा की ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो उस कंडीशन में आपसे 1% प्लस 18% का जीएसटी आपसे चार्जेस लिया जाएगा। जिसे अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो सपोज कीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट जो है 80,000 रुपए है, तो इसका 50% हुआ 40,000 रुपए। तो आप 40,000 रुपए स्पेंड करते हैं फ्यूल ट्रांजेक्शन पर तो आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन यहीं पर अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 80,000 है और आप 60,000 रुपए स्पेंड कर रहे हैं तो आपको 20,000 रुपए के ऊपर 1% का चार्जेस देना पड़ेगा, जो कि 200 रुपए हुआ, प्लस 18% का जीएसटी भी आपको देना पड़ेगा। उसी तरह से बाकी का चार्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही आपका अमाउंट इंक्रीज होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। सेकंड अपडेट की बात करें तो वो है यूटिलिटी पेमेंट। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू एक कैलेंडर मंथ में 50,000 रुपए तक स्पेंड करते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है, लेकिन 50,000 से ज्यादा का अगर आप स्पेंड करते हैं यूटिलिटी पेमेंट पर, उस कंडीशन में आपसे 1% प्लस जीएसटी आपसे लिया जाएगा। जो कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि 80,000 रुपए आपकी क्रेडिट लिमिट है, तो 40,000 रुपए अगर आप यूटिलिटी पेमेंट के लिए यूज करते हैं तो आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खर्च करने की जो लिमिट है 50,000 रुपए तक है। यहीं पर अगर आप 60,000 रुपए खर्च करते तो उस कंडीशन में आपको लिमिट जो है 50,000 की है, तो 10,000 आपने एक्स्ट्रा खर्च किया उस पर आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जो कि 100 रुपया प्लस 18% का जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। और जैसे आपका अमाउंट इंक्रीज होगा, यानी आप इससे भी ज्यादा का ट्रांजेक्शन करते हैं, उस कंडीशन में आपसे ज्यादा चार्जेस लिए जाएंगे। बट आपके पास में एयू बैंक का एयू कॉर्पोरेट और एयू बैंक का परचेस क्रेडिट कार्ड है, उस कंडीशन में ये जो चेंजेस है लागू नहीं होंगे। इसके अलावा ये ट्रांजेक्शन आप इंटरनेशनल कैटेगरी में करते हैं, उस कंडीशन में भी आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो इन्होंने APR यानी एनुअल परसेंटेज रेट में भी चेंजेस किया है, जो कि कुछ इस तरह से है, 3.75% का पर मंथ, और इसे अगर एनुअल कैलकुलेट करके देखें तो 45% का चार्जेस आपसे लेवी किया जाएगा एनुअलाइज परसेंटेज रेट के तौर पर। बट आपके पास में जीनत प्लस कॉर्पोरेट और परचेस क्रेडिट कार्ड है तो ये जो चेंजेस है उस पर लागू नहीं होंगे। तो बैंक खाते में जो डिवोल्यूशन हुआ, यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलता था, वो 1 जुलाई 2024 से ही नहीं मिल रहा। और ये जो बाकी के अपडेट है जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर हुए हैं, जैसे कि यूटिलिटी पेमेंट पर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे और फ्यूल ट्रांजेक्शन पर चार्जेस देने पड़ेंगे, ये 15 अगस्त 2024 से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये कुछ न्यू अपडेट आया था एयू बैंक के खाता धारक और एयू बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए, जो कि मुझे आपके साथ में शेयर करना था। आई नो ये जो अपडेट है आपको पसंद नहीं आया होगा, लेकिन मेरा काम है आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना, ताकि अगर ऐसे कोई चार्जेस आपको लगे
लगने वाले हो तो पहले से आपको जानकारी हो तब आप उन ट्रांजेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं और ऐसे चार्जेस से बच सकते हैं। तो बट अगर हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बेनिफिट की बात कर ले तो काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं। पहली चीज तो आपको यहाँ पर कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देना पड़ता है, 0 रुपए भी आप रखोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता है, तो इसलिए भी मैं इस खाते को यूज करता हूँ। उसके अलावा जो इसका डेबिट कार्ड है, अमेजोन पर स्पेंड करने पर हमें हर महीने 20% का डिस्काउंट मिल जाता है, तो वो पर्पज के लिए भी मैं इसको यूज करता हूँ। तो अगर आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हो और मेरे दिए गए लिंक के थ्रू अगर आप ओपन करते हैं तो आपको 250 रुपए का अमेजोन गिफ्ट वाउचर भी मिल जाएगा। साथ ही आप एयू बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दोस्तों को बताना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।